झारखंड रो गोड़ा जिले में ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में चली ज्ञानोदय गोड़ा प्रोजेक्ट को मिली नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। हैदराबाद में अनुष्ठित 24वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस रे केंद्रमंत्री जितेंद्र सिंह एवं तेलंगाना सहर विकास मंत्री केटी रामाराव यह पुरस्कार उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे। गोड़ा जिलार सफलता को आखि आगे रखी सारा राज्य में शिक्षादान मॉडल को अपनाइबा झारखंड सरकार निष्पत्ति निछन्ते। झारखंडर गोड़ा जिले में ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में चली ज्ञानोदय गोड़ा प्रोजेक्ट को मिली नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। गोड़ार यह प्रोजेक्ट टीम रो एसडीओ ऋतुराज एवं आदानी सीएसआर यह पुरस्कार ट्रॉफी ग्रहण करिसंती। एथिस 1,00,000 टंकार चेक मध्ये पाइछंती। हैदराबाद रे अनुष्ठित 24वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस रे केंद्रमंत्री जितेंद्र सिंह एवं तेलंगाना सहर विकास मंत्री केटी रामाराव यह पुरस्कार उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे। करोना समय शिक्षा क्षेत्र में आसुवा नुआ परिवर्तन तथा संभावना को खोजी बाहर करवा हो पुरस्कार मूल उद्देश्य। स्थानीय प्रशासन सहायतार स्मार्ट क्लास मध्यम पिला गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करुच्च आदानी फाउंडेसन। कोविड समय शिक्षादान क्षेत्र में ज्ञानोदय आप और ज्ञानोदय रथ सहित पिला जोड़ रखा बे सफल होती। झारखंड गोड़ा जिले में रोकवा गरीब ग्रामीण पिला जिला प्रशासन एवं एकोवेशन प्राइवेट लिमिटेड मिलित सहयोग में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करिबारे आदानी फाउंडेशन रही बहुत बड़ भूमिका। गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करिबार लक्ष्य नहीं छात्र छात्री मानक सिलेबस तैयारी होछि। विशेषकर भावर आदान प्रदान मध्यम शिक्षा को किपर तृणमूल स्तर में पहुंचे हेबो से लक्ष्य नहीं आगे चली कार्यक्रम। ड्रॉप आउट रेट खसाइबारे बे सहायक होछि ज्ञानोदय। एथिस पिला उपस्थान बढ़ी एवं परीक्षा में सफल प्रदर्शन करुछन्ति छात्र छात्री। 2018 आरंभ होइथिबा एही योजना रे वर्तमान 70,000 छात्र छात्री सामिल अछन्ति एवं जिले में 276 स्कूल रे समानको शिक्षादान दिया जाउछि। 2019-20 दशम बोर्ड परीक्षा रे गोड़ा जिलार पास प्रतिशत हार रहिथिला 75%, जहाँकि 2018-19 रे 66% एवं 2017-18 रे 50% रहिथिला। एही प्रोजेक्ट माध्यम रे 330 स्कूल रो शिक्षक मानको 2021-22 प्रस्तुत करा जाउछि। आउ गोड़ा जिलार सफलता को आखि आगे रखी सारा राज्य रे शिक्षादान रे एही मॉडल को अपनाइबा पई झारखंड सरकार निष्पत्ति निछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।